हेलो, गुड इवनिंग। कैसे भी लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल फार्मेसी का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी का जो फोर्थ चैप्टर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? उसका दो पार्ट में वीडियो लाऊंगा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट जो रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके लिए हम लोग एक ही चैप्टर में, अगर एक ही वीडियो में अगर मैं कवर करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी। तो इसके लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फोर्थ चैप्टर है उसमें क्या बोलते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी और कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड आता है माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? तो माइक्रोबायोलॉजी, ये बी फार्म का चैप्टर भी है माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन डिप्लोमा में नहीं पूछा जाता है। तो देखो, माइक्रोबायोलॉजी मतलब ये होता है कि जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जो साइंटिफिक, इट इज साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। क्लियर? मतलब जो छोटे छोटे एकदम जीव जंतु होते हैं, मतलब जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, तो ये सब जो चीजें होती है ना, उसके बारे में अगर हम लोग साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब छोटा सा, और बायोलॉजी मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है, तो लिविंग थिंग्स को बायोलॉजी बोलते हैं, और माइक्रो मतलब छोटा सा, मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग लिविंग है, उसके बारे में हम लोग साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? इसके बाद आता है कि माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लुईस पैस्टर के पैस्टर ने किया था लुईस पोस्टर ने किया था। तो इन्होंने क्या किया था पता है? इन्होंने देखा था कि जो ईस्ट होता है उसके ग्रोथ को देख के इन्होंने बताया था कि जो माइक्रोबायोलॉजी होता है। क्लियर? क्योंकि जो ईस्ट थे वो कैसा, उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब थोड़े थोड़े धीरे धीरे क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। जब वो बड़े होते हैं ना, तो उन्हीं के बिहाफ पे इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। क्लियर? जो माइक्रोबायोलॉजी है ये कंप्लीटली तीन वर्ड से बना हुआ है। एक होता है माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोस मीन्स लाइफ होता है, और लॉजिया मीन्स क्या होता है, स्टडी। स्मॉल लाइफ स्टडी मतलब स्मॉल जो लाइफ है उसके बारे में स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसके स्टडी को, जो स्मॉल लाइफ है मतलब छोटे छोटे जो फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? और देखो, माइक्रोबायोलॉजी का ना ये क्या बोलते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, जो माइक्रोबायोलॉजी होता है उसको स्टडी करने के लिए जब भी हमको उस चीज के बारे में स्टडी करना रहेगा, तो हम लोग नेकेड आई तो छोड़ो, आप नॉर्मल, अगर आपके पास अच्छा मैग्निफिकेशंस नहीं रहेगा, जो माइक्रोस्कोप नहीं रहेगा, तो भी आप उस चीज को अच्छे से देख नहीं पाओगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? उसको देख नहीं पाओगे और ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैग्निफिकेशन के बिना जो माइक्रोबायोलॉजी होता है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और देखो, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि अभी देखो, हम लोगों ने देख लिया ना कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी, मैंने बोला कि जो छोटे छोटे एकदम स्मॉलेस्ट जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट को कैटेगराइज किया गया, मतलब जैसे फंगस है तो उनको अलग कैटेगराइज है, बैक्टीरिया है तो उनको अलग कैटेगराइज किया गया है, वायरस है तो उनको अलग कैटेगराइज किया गया है। तो इसके बिहाव पे जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्लियर? जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टेरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर? बैक्टीरियोलॉजी हो गया, लॉजी मतलब स्टडी, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के ऊपर करना है। और उसके बाद होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब जो भी फंगस होते हैं,
जो भी फंगस होते हैं, फंगाई होते हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्लियर। वायरस है तो उसको बोलते हैं वीरोलॉजी। वायरस होता है तो उसको बोलते हैं वीरोलॉजी। क्लियर। अगर अगर प्रोटोजोआ है तो उसको बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी। क्लियर। और कुछ इन्वायरमेंटल, अगर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, इन्वायरमेंटल कुछ माइक्रोब्स होते हैं, तो उन इन्वायरमेंटल माइक्रोब्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी। क्लियर। और कुछ जो डिजीज होते हैं, जो डिजीज होती है वो कैसा स्प्रेड होती है या उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब जो भी डिजीज है, अगर डिजीज को कि जो माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्मॉलेस्ट जो लिविंग है उनको बोला जाता है, तो उनको बोलते हैं इपीडीमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ, इपीडीमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ। क्योंकि ये जो डिजीज है उसी के बारे में बताने को ही हम लोग बोलते हैं, उसी के बारे में अगर हम लोग डिटेल्स में देखते हैं तो उसी बोलते हैं इपीडीमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ। क्लियर। अगर पाला है बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं तो बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टेरियो लॉजी। क्लियर। उसके बाद क्या है, अगर फंगाई है, फंगस है, तो फंगस के बारे में अगर करना है तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। सिर्फ यही इसका वर्ड थोड़ा अलग है, बाकी वायरस है तो वीरोलॉजी, वायरस है तो वीरोलॉजी। क्लियर। अगर प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ के बारे में अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोलॉजी, प्रोटो जूलॉजी। क्लियर। और माइक्रोबियल एंड कुछ ऐसा जो माइक्रोब्स होते हैं, जो इन्वायरमेंटल माइक्रोब्स होते हैं, जो उड़ते रहते हैं इधर उधर, तो उनके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उनको बोलते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी। क्लियर। अगर जो डिजीज होता है वो कैसा एक दूसरे के बीच में अगर मतलब स्प्रेड हो रहा है या उसको अगर कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर मुझे स्टडी करनी रहेगी, मतलब कैसे स्प्रेड हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किधर किधर हो सकता है, क्या क्या उसका कैसे कौन से कंडीशंस में होता जाता है स्प्रेड, तो ये सब चीजों के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इपीडीमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ। क्लियर। अब देखो, अगर ये तो ब्रांच हो गई, मतलब कौन कौन से ब्रांच हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, वीरोलॉजी हो गया, प्रोटोजोलॉजी, ऐसे इसका डिफरेंशन हो गया, मतलब इसका ब्रांच हो गया। अगर अलग अलग आप बोल दिया किसी ने कि क्या करते हो माइक्रोबायोलॉजी में, कि उसमें कौन कौन सा, तो आप बोल सकते हो बैक्टीरियोलॉजी, तो एक वो ब्रांच हो गया। मतलब अगर कोई बड़ा माइक्रोलॉजी ऐसा लैब है, कोई ऐसा प्लेस है, तो उस जो लैब है, लैब में अलग अलग बनाया रहेगा, जिधर सिर्फ बैक्टीरिया रहेंगे उधर बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया जाएगा, माइकोलॉजी मतलब जो फंगस रहेगा उनके बारे में, फिर उसके वायरस जो रहेगा उसको वीरोलॉजी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट, मतलब डिफरेंट रूम और डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स रहेगा उसके लिए अलग अलग रूम्स रहते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग प्लेस रहते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर ये कर लिए तो इनके ऊपर जो माइक्रोबायोलॉजी उसका स्कोप क्या होता है, मतलब अगर किसी ने माइक्रोबायोलॉजी कर लिया तो माइक्रोबायोलॉजी किसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, बहुत ज्यादा वो अगर उसमें आगे निकल गया, तो अगर वो क्या कर सकता है, तो देखो सबसे पहला तो जो होता है, जो भी चीजें, देखो हमारे बॉडी में जो भी एंटीबायोटिक्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो लेते हैं, वो हमेशा क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि ये जो माइक्रोब्स रहते हैं, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, वही माइक्रोब्स हमारे एंटीबायोटिक्स में भरे हुए रहते हैं, एंटीबायोटिक्स में रहते हैं, मतलब जो लिविंग रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, लिविंग्स, मतलब कि जो माइक्रोबायोलॉजी में ये बोला जाता है, और जो एंटीबायोटिक्स रहता है एंटीबायोटिक्स में, हमेशा जैसे फीवर है, जैसे फीवर है, तो फीवर में ऐसा नहीं होता, अगर फीवर के अगर एंटीबायोटिक्स बना दिए तो फीवर का उसी उसी रेंज में वैसा ही जो अटैक करने वाला जो सिपाही है, अटैक करना जो दुश्मन है, तो इधर से सिपाही लड़ने के लिए जाएगा, तो दोनों का जो अगर इधर से भी अगर वो ड्राई रहेगा, अगर वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कुछ एनर्जी, इसलिए जब भी एंटीबायोटिक्स रहता है ना, तो बच्चे लोग का देखो जब एंटीबायोटिक्स रहता है ना, उसको हमेशा फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मली रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर के जो भी बैक्टीरिया रहेंगे, गुड बैक्टीरिया रहते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लियर।
उसके बाद पहला तो है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अच्छे से पता है तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में हम लोग एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बना सकते हैं। क्लियर क्लियर। नेचर से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, फिर उसकी क्या बना देंगे, एंटीबायोटिक्स। क्लियर। नेचर से कलेक्ट किए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उसी से क्या बना देंगे, एंटीबायोटिक्स। और होता है कि अगर पहला तो है एंटीबायोटिक्स क्या प्रोडक्शन कर दिए, दूसरा हो गया डायग्नोसिस डिजीज एंड ट्रीटमेंट। अगर मुझे पता रहेगा कि किसी भी चीज का, कोई भी चीज है तो उसका अगर मुझे डिजीज पता है, अगर डिजीज पता है तो उसका ट्रीटमेंट मुझे पता रहेगा, उसका डिजीज कैसे क्या है तो उसके मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। अगर जैसे किसी को कैसा हो गया कि जैसे वाइटल टेस्ट है, वाइटल टेस्ट क्या करते हैं, कंप्लीट जब जब डेंगू का टेस्ट करते हैं ना, उसमें ये यही देखते हैं कि उस अंदर बॉडी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वाइटल टेस्ट ही करते हैं। तो उसमें ये पता चलता है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो मतलब उसको किस वे में आप डायग्नोस कर सकते हो। अगर मैं डायग्नोस कर सकता हूँ तो मैं ट्रीटमेंट भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे डायग्नोसिस पता है तो मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। मतलब कि जैसे कैसे बोल सकूँ मैं कि कोई भी चीज को अगर मुझे बनाना है तो मुझे कैसे उसका प्रोसेस है, उसका अगर मुझे प्रोसेस पता है तो मैं उस चीज को बना सकता हूँ ना। अगर मुझे उसका प्रोसेस है कि कैसे वो बनता है तो मैं उस चीज को बना सकता हूँ। तो ऐसे होता है कि अगर मुझे उस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो मैं उसको ट्रीट कर सकता हूँ कि इस चीज को अगर नहीं किए करेंगे तो फिर ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा, इस चीज को अगर करेंगे तो जो इतना फंक्शन जो प्रॉब्लम्स होती है सब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। ये दो टेस्ट हो गया, उसमें से वाइटल टेस्ट हो गया और एलिसा टेस्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद स्टरलाइजेशन होता है, उसके बाद होता है स्टरलाइजेशन। जो स्टरलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके अंदर देखो, जो स्टरलाइजेशन मतलब ये होता है कि जो माइक्रोब्स रहते हैं या उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया रहेंगी उनको किल करके रखने को ही बोलते हैं स्टरलाइजेशन। क्लियर। क्योंकि उसके अंदर अगर माइक्रोब्स रहेंगे तो क्या करेगा कि अगर बॉडी के अंदर अगर जो भी गुड बैक्टीरिया है, समझो अभी एक गुड बैक्टीरिया है और सेकेंड वन है बैड बैक्टीरिया, सेकेंड वन है बैड बैक्टीरिया। क्लियर। अब अगर गुड बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर जाएगा तो ये मेरे बॉडी को क्या करेगा, अच्छा हेल्दी अच्छा रखेगा, जिस चीज के लिए हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं बैड बैक्टीरिया को कंजम्पशन करता हूँ, बैड बैक्टीरिया को अगर यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये बैड बैक्टीरिया जाके मेरे बॉडी को हार्म करेगा। तो इसीलिए स्टरलाइजेशन में ये करते हैं, स्टरलाइजेशन में कि इस दोनों चीज को, दोनों है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो दोनों में से जो बैड बैक्टीरिया है उसको क्या करेंगे, हम लोग खराब कर देंगे, उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे उसको। उस गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया साथ में साथ, तो मैं बैड बैक्टीरिया को क्या करूंगा, निकाल दूंगा, उसी को बोलते हैं स्टरिलाइजेशन। क्लियर। पहला स्कोप ये है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नेचुरली लेके उसको क्या करेंगे, बना सकते हैं। दूसरा है कि मुझे उस चीज के बारे में डायग्नोस कर सकता हूँ और ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। क्लियर। जैसे वाइटल टेस्ट है, एलिसा टेस्ट, ये सब क्या है माइक्रोबायोलॉजी में आता है। क्लियर। स्टरलाइजेशन मतलब दो बैक्टीरिया है, एक गुड बैक्टीरिया एक बैड बैक्टीरिया है, तो मुझे इस बात का पता रहेगा कौन सा बैड बैक्टीरिया है कौन सा गुड बैक्टीरिया है, तो मुझे बैड बैक्टीरिया को किल करना है, गुड बैक्टीरिया को रहने देना है। क्लियर। ये कंप्लीटली हमारा स्कोप हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मतलब ये होता है कि दो टाइप, इसमें क्या दो टाइप के हमारे
को दिखाया गया टेस्टिंग, दो टाइप के टेस्टिंग दिखाया गया। तो पहला जो टेस्टिंग होता है उसमें क्या होता है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स के ऊपर जितनी भी टेस्टिंग रहेगी उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन एफिकेसी टेस्टिंग, मतलब कि जो एंटी माइक्रोबियल का जो प्रिजर्वेशन होता है, मतलब अभी कोई भी एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग है, कोई भी एंटी माइक्रोबियल जो भी ड्रग है उसको कितने टाइम तक हम लोग रख सकते हैं जिससे वो खराब ना हो। अगर उसको 6 मंथ तक रखना है और आपने 7 मंथ तक रख दिया, फिर क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही जो ये हो गया, उसके बाद पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो पहला ये है कि उसके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज लिया मैंने, क्लियर क्लियर, उसके बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। फिर उसका प्रिजर्वेशन कैसे, अगर प्रिजर्व करके रखे हुए भी हैं तो उसको निकालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, अभी वो कितना एफिकेसी उसके अंदर बची, कितना स्ट्रांग है, अभी खराब हो गया है, उसके अंदर जो भी पावर थी वो खत्म हो गई है या अभी प्रेजेंट है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देना है, क्लियर, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये कंप्लीटली एंडोटॉक्सिन्स टेस्टिंग में पता चलता है, क्लियर। और प्लांट ग्रोथ प्रमोशन में ये होता है कि जो भी प्लांट प्रोडक्ट रहता है उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग देखते हैं। मतलब जैसे एजेक्टोबैक्टर हो गया, ज्यूडोमोन हो गया, ये कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सोइल में, मतलब जो मिट्टी में, और ये क्या करते हैं, इनका काम ही होता है कि फर्टिलिटी को बढ़ाना, और क्या करता है कि इनसे से लड़ने की जो क्षमता रहती है वो सब बढ़ाना। मतलब कि ये जो कुछ ड्रग होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, सॉरी कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो ना खेती को क्या करते हैं कि अच्छे से उसको इनहांस करते हैं। इनहांस मतलब प्लांट का जो क्वालिटी होती है ना, प्लांट के जो प्रोडक्ट रहते हैं उसकी जो क्वालिटी रहती है उसको क्या करता है, इनहांस करता है, उसको क्या करता है, इनहांस करता है, बढ़ाता है। मतलब वो खराब अगर रहेगा, 1 मिनट, वो अगर क्योंकि किसी भी प्लांट का अगर ग्रोथ धीरे 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 अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी भी प्लांट का अच्छे से ग्रोथ चाहिए, किसी भी प्लांट का मुझे अच्छे से ग्रोथ चाहिए, तो उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स देंगे जिससे वो अच्छे से, और मतलब कोई भी एक इंसान है तो उसको अगर सब खाना नहीं देंगे, नॉर्मली कुछ खाना देंगे, उसमें अंदर प्रोटीन विटामिन ये सब चीजें अगर नहीं देंगी तो वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसे ही प्लांट का ग्रोथ अच्छे से हो पाए इसके लिए अलग अलग कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोशन करते हैं, कुछ माइक्रोब्स जो ऐड करते हैं जिससे प्लांट जो होता है अच्छे से ग्रो होता है। अच्छे से ग्रो होने का रीजन ही होता है, जो भी मिट्टी रहती है मिट्टी में फर्टिलिटी की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब उसको पैदावार करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, क्लियर। उसके बाद आता है कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि ये होता है कि कुछ ऐसे कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। अब देखो 1 मिनट, देखो क्या होता है, क्या होता है कि 1 मिनट, क्या होता है कि देखो कुछ ऐसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। उसमें से जो मोल्ड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं पता है आपने, ये देखा रहेगा, क्या नाम है उसका, घर में मशरूम जैसा ये रहता है, ये मशरूम जैसा ही रहता है। तो इसका क्या करते हैं पता है, इस चीज का ना एक तो बनाते हैं पेंसिलिन, हो गया एक, हो गया पेंसिलिन। उसके बाद ना जब भी चीज का प्रोडक्शन होता है ना वो क्या होता है कि मोल्ड से भी होता है, वो कैसा मोल्ड से होता है, ये कैसा होता है, जब पानी के सतह पे आप देखोगे ना पानी जिधर भरा रहता है तो उधर ना हल्का ऐसे ये मशरूम के जैसे ऐसे पूरा निकले हुए रहते हैं, मशरूम जैसे ऐसे निकले रहते हैं। एक तो मशरूम हो गया,
एक मशरूम हो गया और दूसरा ऐसे पानी की सतह पे ऐसे निकले रहेंगे, तो इनको व्हाइट व्हाइट से कलर से रहते हैं, तो इसको भी इन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल्स बोलते हैं। क्लियर। और देखो जो मोल्स होते हैं, इनका ना एक तो देखो पेंसिलिन हो गया, एक हो गया रिजोपस हो गया, तो ये सब क्या होता है ना, इसको कुछ बनाने के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। और ये क्या करता है कि एक जो हमारे क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है हमारा, जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसके लिए भी हेल्प होता है, और बहुत सारा जो बैक्टीरिया रहेगा, जो कुछ फंगस रहेगा, कुछ ये सब चीजें अगर बॉडी में हमको प्रॉब्लम्स होती है तो उससे भी लड़ने के लिए क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। क्लियर। और इस टाइम पे अगर बोला जाए तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे रेजिन्स हो गया और कास्टिंग हो गया, ये सब चीजें जो यूज करते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो हम लोग अभी इसी में देख रहे हैं, तो ड्रग्स में देख रहे हैं, तो एक समझ लो आपका चीज हो गया, एक पेंसिलिन हो गया, एक रिजोपस हो गया, ये सब चीजें क्या करते हैं, यूज करते हैं हमको डेली लाइफ में, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है ईस्ट, आता है ईस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ये कैसा होता है कि एक तो पहले बडिंग से ये बनता है, बडिंग मतलब ऐसे है, इतना बड़ा है, तो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे बड़ा ऐसे निकल जाएगा, बडिंग निकल जाएगा, फिर यहाँ से ये अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद क्या ये अलग सेपरेट बन जाएगा और एक ये सेपरेट बन जाएगा, तो दो बन गया है, एक दो बन गया। तो ऐसे ही इसका प्रोडक्शन होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये बनते रहता है, ये बनते रहता है। क्लियर। देखो जो ईस्ट होता है ना, कभी कभी ये क्या होता है कि ये हार्मफुल भी होता है और कभी कभी यूजफुल होता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो बना कैसे है, कि वो अगर अच्छी अच्छी एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसके अगर उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं हुआ है, और उसको अगर अच्छे से अगर कलेक्शन किए हैं, कल्टीवेशन कलेक्शन किए हैं, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर। अदरवाइज क्या होता है, धीरे धीरे हमको वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। क्लियर। जैसे एक ईस्ट फूड इंडस्ट्री में यूज होता है सैक्रोमाइसिस, इसको भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर। और दूसरा है सीजो सैक्रोमाइसिस होता है। क्लियर। ये और बाकी कैंडिडा होता है, तो ये सब चीजें क्या होती है, यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। क्लियर। ये फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है सैक्रोमाइसिस, मतलब कि जो खाने में थोड़ा यूजफुल हो जाए, मतलब कि कुछ चीजों से लड़ने के लिए एंटीसेप्टिक का भी एक काम करता है, क्लियर। उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से किस में इंडिकेशन में उसको दे सकते हैं इसके लिए। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है कि ये हार्मफुल भी होता है और अच्छा भी होता है, जैसे देखो ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ज्यादा क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है, अच्छे से उसको प्रिपेयर किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा है। जैसे बैसिलस है, कोगिलियन है, ये जो होता है ये प्रोटियोलाइटिक स्पीसीज है, और यूज किसे करते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, किसके लिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्लियर। और जो बैसिलस पूरी मिलस है, इसका क्या करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में यूज करते हैं। स्टेरिलिटी मतलब कि जैसे एक गुड बैक्टीरिया है, एक गुड बैड बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर डिफरेंशिएट करने को ही बोलते हैं स्टेरिलिटी, मतलब कि 10 जन खड़े हैं उसमें से 8 लोग सही हैं, 2 लोग बुरे हैं, तो अभी 10 लोग को अगर साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो 8 लोग बुरे हैं ना वो धीरे धीरे कम, जो 8 लोग अच्छे हैं वो धीरे धीरे कम होते होते जो बुरे हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उनके साथ नहीं रखना है, तो 2 लोग को अलग ही कर दो जो खराब है, और जो अच्छे लोग उनको साथ में रखो, तो इसी अच्छे बुरे को क्लियर करने, सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलिटी। क्लियर। माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टिकम जो होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो विटामिन होता है, विटामिन के प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है अमाइलेज, जो अमाइलेज होता है ये
प्रिपरेशन जब स्टार्च होता है, स्टार्च का जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उस टाइम पे इसको यूज करते हैं। स्टार्च मतलब जैसे हमारे बियर हो गया और विनेगर हो गया। बियर और विनेगर अगर आप स्मॉल अमाउंट में, छोटी अमाउंट में अगर आप कंज्यूम करते हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन आप अगर एक्सेस में कंज्यूम करने लगे उसको, तो हमारी बॉडी को क्या करेगा, हार्म करने लगता है। क्लियर? जिससे हमारा क्या होता है, डाइजेशन थोड़ा अच्छा रहता है और बॉडी का थोड़ा ग्रोथ भी अच्छे से होता है। क्लियर? और बॉडी में अगर कुछ टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट रहेगा तो बियर और विनेगर से क्या होता है, निकल जाता है, जिसको अमाइलेज बोलते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स रहेगा, कुछ आ, आ, कुछ स्टोन्स रहेगा, कुछ समथिंग्स रहेगा, तो बॉडी का ग्रोथ भी थोड़ा होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कैसा बोलूं, जो डाइजेशन होता है वो भी अच्छे से होता है, इसलिए बॉडी का ग्रोथ भी अच्छे से होता है। क्लियर? ये कंप्लीटली हमारा डिटेल्स ऊपर का था। अब नीचे का हम लोग देखेंगे, अभी हमारा आता है इपीडीमियोलॉजी, वो इपीडीमियोलॉजी। अभी हम लोगों ने पूरा देखा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद हमारा आता है इपीडीमियोलॉजी, ये देख लेते हैं। इपीडीमियोलॉजी का मतलब ये होता है कि देखो, कोई भी डिजीज है, कोई भी डिजीज है, उसके बारे में मैंने सर्च किया, निकाला, देखा, अब वो डिजीज उधर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, मतलब समझे, जो डिजीज है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसी के बारे में अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उसी के बारे में अगर मैं स्टडी करता हूँ, तो उसी को बोलते हैं इपिडीमियोलॉजी। मतलब कि किसी को फीवर है या नहीं है, इसी के बारे में अगर हम लोग छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं, तो इसी को हम लोग, फीवर अगर है कि नहीं है, इसी को बोलते हैं इपीडीमियोलॉजी, इपीडीमियोलॉजी। क्लियर? ब्रांच ऑफ साइंस मेडिकल, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इन्वेस्टिगेशन ऑल द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। क्लियर? उस डिजीज है, डिसऑर्डर्स है या नहीं है, उसी के बारे में हम लोग पता करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इपिडेमियोलॉजी। क्लियर? क्लियर? अब देखो, अगर इसी को मैं तोड़ मरोड़ के बोलूं, तो जो लैटिन, जो सॉरी जो ग्रीक वर्ड है, उसको कैसे लिया गया है, तो देखो क्या होता है कि एपी मतलब होता है अपॉन, अपॉन या अमोंग, अपॉन या अमोंग। डिमोस, डिमोस मतलब पीपल या डिस्ट्रिक्ट, पीपल या डिस्ट्रिक्ट मतलब जो भी पीपल है उसके ऊपर हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एपिडेमियोलॉजी। कोई भी पीपल है, एक आदमी है, उसके बारे में मैंने क्या स्टडी किया, उसके अंदर कुछ डिजीज है, डिसऑर्डर्स है या नहीं है, उसी के बारे में हम लोग जब छानबीन करते हैं, पूरा पता लगाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एपिडेमियोलॉजी। क्लियर? अगर एप्लीकेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी की बात करूं मैं, तो एप्लीकेशंस इसका वही होता है कि इवेल्युएट करते हैं जो भी हेल्थ सर्विसेज होती है, जो भी हेल्थ सर्विसेज होती है उसके बारे में इवेल्युएशन होता है, उसी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्लियर? पहला ये हो गया। दूसरा हो गया डायग्नोसिस, कोई भी जो हेल्थ है उसके बारे में अगर हम लोग डायग्नोस करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेल्थ की सर्विस है, उसको अगर इवेल्युएट कर रहे हैं कि कौन सा कैटेगरी किसको, कौन सा डिजीज किस कैटेगरी में आएगा, उसको इवेल्युएट करते हैं, एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि कौन सा डिजीज है उसको डायग्नोस कर लिया, दूसरा वो हो गया। फिर आइडेंटिफाई ऑफ सिंड्रोम, मतलब कौन सा डिजीज हुआ है, कौन सा स्पेसिफिक डिजीज हुआ है, कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं, एक तीसरा ये हो गया। पहला हो गया डिजीज को इवेल्युएट करना, दूसरा हो गया कि जो डिजीज है उसको डायग्नोस कर दिए, उसके बाद जो उसके अंदर सिंड्रोम है, जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिए। अभी टीवी है उसके अंदर, फिर निमोनिया है, ये सब चीजें, या तो कैंसर है, अगर मैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, तो उसको उसको बोलते उसको भी वो भी किस में आता है, एपिडेमियोलॉजी में। क्लियर? अभी है कि नहीं है, तो वही है या नहीं है, एपिडेमियोलॉजी होता है। फिर कुछ जो डिजीज है उसके कॉज क्या हो सकते हैं, अगर किसी को फीवर हो गया तो वो फीवर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, उसको, एक वो हो गया। और प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, किसी को कुछ बीमारी हुई है, तो उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए आगे चल के,
उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए आगे चल के, मतलब कि अभी उसको कैसे, अभी घर पे उसको ट्रीट करना है, हॉस्पिटल में ट्रीट करना है, हॉस्पिटल में कोई कौन से वार्ड में रखना है, स्टरलाइजेशन में रखना है, उसको आईसीयू वार्ड में रखना है, उसको कैसे रखना है, कैसे उसको इवेल्युएट करना है, ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते। क्लियर। और उसका जो क्या होता है कि मैकेनिज्म एंड डिजीज ट्रांसमिशन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कैसे वो ट्रांसमिट होता है उसके बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए। क्योंकि अभी किसी को अगर नॉर्मली जैसे किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो आप बोलोगे कि अरे उनसे पास में मत जाओ नहीं तो फिर तुम आपको भी हो जाएगा। तो ये चीजें क्या होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि जो हाइपरटेंशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसमिट नहीं होती है, उसको बोलते हैं। उसके बाद जो डिजीज है वो किस वजह से हुआ है, जो डिजीज है उस किस वजह से हुआ है, क्या उसका प्रॉब्लम्स हुआ है, इसके लिए वो प्रॉब्लम्स हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसे, वो भी क्या आ जाएगा एपिडेमियोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद आता है कि कैसे वो ट्रांसमिट होगा, आप उनसे बच के रहो बच के नहीं रहो, फिर हम क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं जिससे अगर मैं उनके कांटेक्ट में किसी के कांटेक्ट में अगर आ गया तो कौन सा प्रिकॉशन लेंगे जिससे हमको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, जिससे हमको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तो इसको भी क्या करना डिटरमाइन कर देते हैं। क्लियर। इसको भी क्या कर देंगे डिटरमाइन कर देंगे, ये हमारा एपिडेमियोलॉजी हो गया। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा कुछ सेंटेंस हैं जो दो दो मार्क्स के आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है। देखो एपिडेमिक मतलब ये होता है, एपिडेमिक मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक एरिया है, कोई एक एरिया है, उस एरिया में हर एक पर्सन को हर एक जानवर से हो गया, या तो जानवर है या जानवर भी है और इंसान है, सबको क्या हो गया, वो एक ही डिजीज हो गई, एक ही डिजीज हो गई, तो वो जो डिजीज होती है उसी को बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब किसी को भी उधर जितने लोग रहते हैं एक साथ में पूरा सबको हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे अभी समझो ऐसा डिजीज को तो नाम नहीं आ रहा है, लेकिन समझो कि फीवर एक जन को होगा और पूरा सबको हो जाएगा, पूरा सबको फीवर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं एपिडेमिक। और सेकेंड जो आता है पेंडेमिक होता है। पेंडेमिक मतलब ये हो जाता है कि इसका ना रीजन ये हो जाता है, पैंडेमिक को अपना ऐसे समझो जो कोरोना वायरस आया था, पैंडेमिक को उससे आप समझो। देखो पैंडेमिक का ये हो जाता है कि जो भी डिजीज है इसका ना जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत जल्दी बढ़ता है, ग्रोथ रेट बहुत जल्दी बढ़ता है। मतलब आज अगर फर्स्ट डे में अगर 30 लोग अगर क्या हुए डायग्नोस हुए 30 लोग अगर डायग्नोस हो गए, तो ये सेकेंड डे क्या हो जाएगा, एक 30 का रेशियो था, पहले दिन में 30 होता था, दूसरे दिन 30 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, दूसरे दिन में क्या हो गया ये 70 लोग हो गए, ये क्या हो गया 70 लोग हो गए, तो 10 बढ़ गया इसमें, और 30 तो था ही और 40 और बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया, ये कितना हो गया 70। अब क्या हो गया 70 लोग डायग्नोस हुए, फिर थर्ड डे में क्या हो जाएगा ये सीधा 200 हो गया, ये क्या हो गया 200 200 300 हो गया। मतलब जो इसका ग्रोथ रेट इतना जल्दी जल्दी बढ़ता है ना कि पूरे जो एरिया रहती है ना पूरा एरिया इन्फेक्ट हो जाती है, पूरा एरिया इन्फेक्ट। लेकिन इससे जो हमारा ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा इससे ना जो पॉपुलेशन की इम्यूनिटी रहती है, जो पॉपुलेशन की इम्यूनिटी रहती है उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा इम्यूनिटी नहीं फर्क पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स चारों तरफ हो जाती है ना वो मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज पे अटैक करने लगता है, किसी एक स्पेसिफिक चीज पे अटैक करने लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पैंडेमिक। क्लियर। और ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, बहुत ज्यादा एरिया, मतलब ये समझ लो कि आज अगर मुंबई में है तो कल ये हो सकता है कि एक ही शहर कवर करना चाहिए, तो कल ये क्या हो जाएगा गुजरात गुजरात और राजस्थान दोनों में फैल जाएगा, मुंबई गुजरात राजस्थान तीन हो गया, फिर उसके बाद आगे गोवा केरला
फिर उसके बाद कर्नाटका, एमपी, यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, ऐसा पूरा इतना जगह फैल गया ये। और देखते थे क्या हो जाएगा, पूरे कंट्री में ये सब पूरा फैलने लगेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं पैंडेमिक। इसको बोलते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब कि इतना जल्दी उसका जो ग्रोथ होता है, इतना जल्दी ग्रोथ होता है कि उसको कंट्रोल बहुत जल्दी किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है, पूरा वर्ल्ड जो होता है उसके उसके डिजीज के चपेट में आ जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद आता है एंडेमिक। एंडेमिक ये होता है कि ये क्या होता है कि कुछ रीजन्स में होता है। अगर आप उस रीजन्स में अगर जाते हो तो आप गए तो उधर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां से आप बाहर आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लियर? अब जैसे आप ऐसा नहीं कि आप आओगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन उस एरिया में अगर आप जाओगे तो आपको हो जाएगा। जैसे मलेरिया है, फिर उसके बाद जैसे आप उस एरिया में गए, आपको सर्दी जुकाम हो गया, बोलते हैं ना कि अरे मैं जाता हूँ तो अगर भाजी मार्केट में गया तो मुझे सर्दी हो जाएगी, मच्छी मार्केट में गया तो मुझे सर्दी हो जाएगी, या फिर धूल मिट्टी के एरिया में गया तो भी मुझे एलर्जी हो जाएगी। तो सब जो जो एरिया डिवाइड होते हैं तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। क्लियर? एपिडेमिक मतलब या पूरा एनिमल्स, पूरा ह्यूमन सबके ऊपर अगर इफेक्ट, सेम ही डिजीज अगर करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, और उसका जो रेट रहेगा कंटिन्यूसली ट्रिपल चौपल ऐसे बढ़ते रहेगा, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। और किस एक रीजनल एक एरिया में ही रहते हैं, लिमिटेड एरिया में रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंडेमिक। क्लियर? अब उसके बाद होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे ये सब चीजें है, ये सब चीजें हैं, तो अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात किया जाए, जो डिजीज होती है वो ट्रांसमिट कैसे होती है। तो देखो, पहला तो ये रीजन हो गया, पहला ये रीजन हो गया कि एक तो ये हो गया कि कोई ना कोई उसके अंदर होस्ट हो सकता है, कोई होस्ट हो सकता है, या तो फिर ओन हो सकता है, या तो खुद से हो, या तो दूसरा कोई कर रहा होगा, या तो खुद से होगा। तो इसको हम लोग बताए हैं दो चीज, दो में, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब यहां से हुआ दूसरे को हो गया, मतलब कि मैं अगर इन्फेक्टेड हूं तो मैं किसी दूसरे पर्सन को अगर दे दिया तो वो हो गया डायरेक्ट। मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ, मेरा अगर हाथ इन्फेक्टेड है, मैं अगर दूसरे के हाथ को अगर टच करूंगा तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे मेरा हाथ हो गया, ड्रॉपलेट स्प्रेड मतलब मैं छींक दिया, छींकने के बाद वो सामने वाला पर्सन इन्फेक्टेड हो गया तो उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट स्प्रेड। उसके बाद था इनडायरेक्ट, एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब जो मैंने छींका वो एयर में पड़ा है, एयर में ऐसे है, फिर वो पर्सन जो दूसरा पर्सन रहेगा वो उसके बॉडी पे आया, वो ऐसे कंज्यूम किया उसको, तो क्या कर दिया, वो इन्फेक्टेड हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोल देंगे, एयरबॉर्न। व्हीकल बॉर्न, कुछ धुआं निकलता है व्हीकल से थ्रू अगर ट्रांसमिट होता है उसको बोलते हैं एयरबॉर्न। फिर वेक्टर बॉर्न मतलब जैसे मच्छर हो गया, फिर उसके बाद बीज हो गई, ये सब चीजें अगर ट्रांसमिट करती है, मतलब टर्सरी चीजें अगर कोई इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न, क्लियर? मच्छर हो गया, उसके बाद कोई और चीजें हो गई, तो जो बीच में इन्वॉल्व कर दे, मतलब मुझे इन्फेक्शन था, किसी ने मच्छर ने लिया, वो फिर लेके जाके दूसरे आदमी को दे दिया, तो हो गया वेक्टर, वेक्टर बॉर्न डिजीज। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है आइसोलेशन और क्वारंटाइन। आइसोलेशन और क्वारंटाइन, तो देखो आइसोलेशन और क्वारंटाइन मतलब क्या होता है कि इसमें ना जो बीमार पेशेंट रहते हैं, जो बीमार पेशेंट रहते हैं उनको डिजीज से बचाने के लिए हम लोग, डिजीज से बचाने के लिए हम लोग जो सही पीपल से, जो ये नहीं रहते हैं, ये जो सही रहते हैं उनसे क्या करते हैं, दूर करते हैं, सेपरेट करके रखते हैं। मतलब जो सिक पीपल रहते हैं और जो सही रहते हैं उनको, दोनों को डिफरेंट करके रखते हैं। क्लियर? उनको क्या करते हैं, डिफरेंट करके रखते हैं कि जैसे अभी एक घर में जाके उनको क्या कर दिए, बंद कर दिए, उस घर में जाके क्या कर दिए, उनको बंद कर दिए, तो उनको मतलब आइसोलेशन आइसोलेट कर दिए। और क्वारंटाइन मतलब कि वो उस एरिया को पूरा सील कर दिए, उस एरिया को पूरा सील कर दिए, उधर से ना कोई चीज आए, जैसे कोई चीज ना आए, ना कोई चीज उसके पास जाए, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन।
क्लियर, उधर से आना जाना सब कुछ, उधर का जो एक्सपोजर रहेगा कुछ भी उधर का प्रॉब्लम्स बाहर ना आए, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। उसको क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन। क्लियर, यही लास्ट सर्च है। हाँ तो ये हो गया हमारा क्वारंटाइन। देखो अगर मैं आइसोलेशन और क्वारंटाइन की बात करूं मैं, कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, एक ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जैसे कोई भी एक पर्सन अगर बीमार है, कोई भी एक पर्सन अगर बीमार है तो उसको क्या करेंगे कि उसको जैसे मोस्टली क्या करते हैं, 1 वीक तक उस पेशेंट को क्या करेंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे 1 वीक तक। 1 वीक तक उसको आइसोलेट मतलब एक घर में क्या कर देंगे, उसको रख देंगे, खाना पीना उनको देते रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उनके पास भी जाना, मतलब आइसोलेशन में उनके पास जा सकते हैं, लेकिन उनके पास हमेशा रहेंगे नहीं, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। क्वारंटाइन में मतलब कि एकदम ऐसे बैरियर जैसा लगा दो, एक एक पर्सन यहाँ है, और सेकेंड पर्सन यहाँ है, दोनों को क्या करो अलग अलग जगह पे रख दो, दोनों को ये कैसा है, नॉन इन्फेक्टेड है और ये इन्फेक्टेड है, ये क्या है, इन्फेक्टेड है। तो ये क्वारंटाइन मतलब इसके पास कैसे भी करके ये पर्सन ना जाए, इसको बोलते हैं क्वारंटाइन। और ये जो ये पर्सन रहेगा अगर इसको आइसोलेशन में करेंगे तो इसके पास आ सकता है, थोड़ा मिल सकता है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ में, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। क्लियर क्लियर, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। मतलब कि जैसे सर्दी जुकाम ये सब कुछ रहेगा तो अगर वो खांसेगा तो खांसने के बाद वो आपको स्प्रेड कर सकता है, आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है, तो उससे बचने के लिए आइसोलेट करते हैं। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं क्वारंटाइन। मतलब कि क्वारंटाइन मतलब कि 2 वीक्स तक, 2 वीक्स तक इसके पास भी कोई नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। क्लियर, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये हो जाता है, कि देखो अभी जैसे मैं अभी किसी के पास गया, किसी को हुआ था, कुछ बीमारी हुआ था, वो बीमारी क्या हो गई, मुझे उससे आ गई, लेकिन अब क्या हो गया कि वो बीमारी मेरे बॉडी में आने के बाद अब जाएगी, तो बॉडी में जाने के बाद वो अच्छे से ग्रो होगी, जब पूरा अच्छे से ग्रो हो जाएगी, ग्रो होने के बाद अपना वो रिजल्ट दिखाएगी, जब रिजल्ट दिखाएगी मतलब जब मुझे सिम्टम्स आना चालू हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि मुझे आज फर्स्ट डे है, आज संडे था, सॉरी आज कौन सा डे है, आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन क्या हो गया कि मुझे मैं किसी के संपर्क में आया जिसको कुछ बीमारी है, उसको मैं संपर्क में आया, मैं ऐसे मुझे वो बैक्टीरिया आया मेरे बॉडी में आ गया, तो संडे था, सैटरडे है, तो आज मेरे, और उस समझो कि कौन सा बैक्टीरिया था, समझो सर्दी का था, सर्दी था, सर्दी का बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया। तो अब क्या हो जाएगा कि ये बैक्टीरिया जो रहेगा, मुझे सर्दी कब हो गई, वेनेसडे को, तो वेनस सैटरडे से अब वेनसडे के बीच में जो डे है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मैं देखो संडे को इन्फेक्ट हुआ, क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया मतलब बैक्टीरिया को कांटेक्ट में आया, अब संडे से, और मुझे सिम्टम्स तभी आया, सिम्टम्स आया मुझे वेनसडे को। क्लियर, जब वेनसडे को मुझे सिम्टम्स आया तो ये क्या है सिम्टम्स, तो ये संडे हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे, ये 3 दिन का जो मेरा डे है, ये 3 डेज मेरा हो गया, 3 डेज जो हमारा हो गया इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड मतलब अब वो हार्मफुल हो गया है, हमारे बॉडी में अच्छे से पहुंच गया है, वो अच्छे से डेवलप हो चुका है, अब हमको डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स दिखाएगा, जिसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होगी, जिसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। मतलब ग्रोथ ऑफ जो बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा, ग्रोथ ऑफ
बैक्टीरिया वायरस के फेज को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग मतलब ये होता है कि जो पीपल्स रहते हैं, जो पीपल्स हैं, वो पर्सन से कब इन्फेक्टेड होते हैं, कैसे इन्फेक्ट होते हैं। जैसे जैसे कुछ कुछ वायरस होते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, उसके अगर कॉन्टेक्ट में आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमको वो होने का चांसेस है। मतलब कि उस अगर बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में अगर हम गए तो डेफिनेटली रहता है 99% चांस रहता है कि मुझे वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मतलब कि अगर किसी ने छींक लिया, छींकने के बाद वो मुझे हो गया तो बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। क्लियर? इसमें क्या लिखा है, पीपल इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज इन्फेक्टेड विद द वायरस सच एज इबोला वायरस आर द हायर रिस्क ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड देमसेल्स एंड ऑफ पोटेंशियली फर्दर इन्फेक्टेड अदर्स। एक को हुआ और इबोला वायरस, और दूसरे को क्या कर दिया, ट्रांसमिट हो गया। और इबोला वायरस बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। क्लियर? क्लोजली वॉचिंग दीज कॉन्टेक्ट्स आर आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन विल हेल्प द कॉन्टेक्ट टू गेट केयर एंड ट्रीटमेंट एंड विल प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। दी मॉनिटरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। क्लियर? अब क्या हो गया कि कॉन्टैक्ट में तो आ गए, कॉन्टैक्ट में आने के बाद अब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पास गया, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर देखा क्या प्रॉब्लम है कैसे, अभी वो रिपोर्ट लिखा। तो रिपोर्ट लिखने के बाद जो रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट आती है उसी कैसे किया गया रहता है, उसको डिटेक्ट किया गया है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। किसी भी बैक्टीरिया वायरस के कॉन्टैक्ट में आ गए तो उसको कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। क्लियर? अब जैसे आपको पता रहेगा, जो अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, किसी को टीबी हुआ है, तो क्या करते हैं, एक हाथ के ऊपर ना, आर्म के ऊपर क्या करेंगे, एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन इंजेक्ट किए, इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि 24 आवर्स के बाद, 24 to 48 आवर्स के बाद क्या होता है कि जिधर भी इंजेक्शन इंजेक्ट किए रहते हैं, क्या होता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर वायरस प्रेजेंट है तो क्या वो एरिया हल्का सा स्वेल हो जाएगा। जब एरिया स्वेल हो जाएगा मतलब आप कांटेक्ट में आए थे, आपको आपके अंदर ट्यूबरक्लोसिस वायरस, ट्यूबरक्लिन सॉरी टीबी प्रेजेंट है। और जो जो इंजेक्शन लगाते हैं उस इंजेक्शन का नाम होता है ट्यूबर क्यूरिन। क्लियर? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो हम लोगों ने कंप्लीटली क्या क्या देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा माइक्रोबायोलॉजी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कैसा थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाएगा, लेकिन वीडियो को इतना ये समझो कि आप वीडियो को बहुत 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर एक बार आप पढ़ लिए ना, एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो आपको फिर से एग्जाम के टाइम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एक बार अच्छे से आप देख लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप पूरा इतना सारा डिटेल्स पढ़ने लगोगे तो सोशल फार्मेसी आपका छूट जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी सब्जेक्ट है। क्लियर? और बहुत बहुत ज्यादा इसी में सब लोग फेल होते हैं। क्लियर? इस चीज का इसे ध्यान दो। देखो माइक्रोबायोलॉजी हम लोगों ने देखा, माइक्रो बायोलॉजी। क्लियर? दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, इसके अंदर कौन कौन सा ब्रांच होती है, ब्रांच में इसका ब्रांच देखे हम लोगों ने। जो ब्रांच है, ब्रांच हम लोग क्या देखा, जैसे अगर वो वायरस है तो वायरस को हम लोग बोलते हैं वीरोलॉजी। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो बैक्टीरियोलॉजी। तो ऐसे ही प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोलॉजी। ये कंप्लीट हम लोग उसका ब्रांच देखे। अब अगर किसी ने माइक्रोबायोलॉजी किया तो उसको स्कोप क्या रहेगा, तो स्कोप देखे हम लोगों ने स्कोप देखा। करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गया, उसके बाद हो गया हमारा डिजीज का, कैसे डिजीज और कैसे ट्रीटमेंट को डायग्नोस करते हैं वो हो गया, और कुछ इस तरह से मतलब कौन से बैक्टीरिया अच्छी है, कौन से बैक्टीरिया खराब है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो हो गया। क्लियर? उसके बाद हो गया टेस्टिंग, जो फार्मास्यूटिकल के अंदर जो टेस्टिंग होती है उसको हम लोग कर सकते हैं, कौन सा उसका एफिकेसी कितना है, उसको कितना टाइम तक रख सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग क्या किए हैं देखे। क्लियर? और अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बात कर रहे हैं, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारा मोल्ड्स हो गया,
जो मशरूम जैसा दिखता है, ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, और बैक्टीरिया हो गया, और अमाइलेज हो गया, तो ये कम्प्लीटली ईस्ट हमारा मोल्ड समझ, हमारा जो है पेंसिलिन बनाने के लिए काम आता है, चीज बनाने के लिए काम आता है, क्लियर। और जो ईस्ट होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, सैक्रोमाइसिस जो होता है ईस्ट, उसके लिए हो जाता है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया है, आपको पता ही है कि विटामिन के प्रोडक्शन के लिए और मिल्क के कर्डलिंग के लिए यूज किया जाता है, मिल्क की कर्डलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया हो गई, अमाइलेज हो गया, जैसे बियर हो गया, विनेगर हो गया, तो क्या हो गया हमारा अमाइलेज। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इपिडीमियोलॉजी, उसके बाद देखा था इपिडीमियोलॉजी। इपिडीमियोलॉजी देखिए, हम लोग इपिडीमियोलॉजी में हम लोगों ने ये देखा कि जो बैक्टीरिया है, सॉरी, जो हमारे अंदर, जो बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिजीज या डिसऑर्डर्स है या नहीं है, उसके बारे में अगर पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं इपिडीमियोलॉजी। इसका हम लोग फिर देखिए कि एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब कि अगर ये कर लिए तो क्या हो जाएगा, हेल्थ सर्विस के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पर अगर मुझे पता है कि है या नहीं है तो कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे नहीं, पता लगा सकते हैं हम लोग, इवेल्युएट कर सकते हैं कौन सा उसका कॉज क्या होता है, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखिए एपिडेमिक देखे, पैंडेमिक देखे, पैंडेमिक आप कोरोना कोरोना वायरस जो है तो उससे रिलेट कर सकते हो। एंडेमिक होता है जो कुछ एरिया में ही, लिमिटेड एरिया में रहता है, क्लियर। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे कैसे होता है वो सब हम लोग देखे। फिर इधर आइसोलेशन है, क्वारंटाइन, आइसोलेशन क्वारंटाइन में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, जो आइसोलेशन होता है वो 1 वीक का होता है, क्वारंटाइन जो होता है 2 वीक का होता है, क्लियर। इनक्यूबेशन पीरियड, जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है मतलब जब उस कांटेक्ट में आए बैक्टीरिया के, और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आई मेरे बॉडी के अंदर चली गई, उसके बाद सिम्टम्स कब दिखाया, तो इंजेक्ट होने और सिम्टम्स होने के बीच का जो टाइम रहता है उसी को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग मतलब कि मैं कैसे कॉन्टेक्ट, मतलब जो बैक्टीरिया मुझे हुआ है उसको मैं कैसे ट्रेस कर सकता हूँ, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, थैंक यू सो मच। एंड जो पार्ट 2 रहेगा वो कल आ जाएगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा, आपका पूरा जो 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।